हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी मिसेस देवतिया ब्लॉगर, और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, मैं नहा ली हूँ और सिर भी धुलाई किया है। आज तो सूर्य देवता निकलेंगे ही नहीं, इतनी सर्दी हो रही है ना, बस पूछो मत। और सुबह बच्चों का ब्रेकफास्ट हो चुका, और मैंने अब किचन में प्रिपरेशन करके रख दी है दोपहर के लंच की, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हम पराठे खाएंगे आलू के, तो मैं अब वो ही बनाऊँगी। मैं सोची थोड़ा सा सिर सुखा लूँ, और आग भी जलाई हुई है गाइस, इतनी सर्दी है ना बहुत ज़्यादा। दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये देखो, हमने आग जला रखी है तसले में, इतनी ठंडी, इतनी ठंडी, बस पूछो मत। ये देखो गाइस, इसी से राहत मिल रही है फिलहाल तो। ये देखो, रखो, थोड़े से बाल भी सूख जाएंगे आग के पास बैठकर। आज बेटा सूर्य देवता तो निकलेंगे ही नहीं, देखो मौसम खराब है आज। हाँ, घटा हो रही है क्या? देखो 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 देखो, इसी से ही राहत मिलेगी बेटा। ये भी बेटा, इसमें लकड़ी रखो। और तो गाइज, अब ना मैं नीचे जा रही हूँ, बच्चों का लंच बनाऊंगी, बच्चों को भूख लग रही है ना बेटा? बहुत भूख लग रही है। ठीक है, अब मम्मा नीचे चलती है, चलो। आज आपको पराठे भी दिखाऊंगी बनाते हुए। तो गाइज, सुबह हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था, तो मैं सूट करना भूल गई। ब्रेकफास्ट में बच्चों ने दूध और बिस्किट लिए थे, और अब मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ। ये देखो, उधर चाय बन रही है और इधर आलू के पराठे। आलू के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं सर्दी में, आलू के भी और मूली के, मिक्स वेज पराठे और पनीर के पराठे और बथुए के पराठे, सर्दी में तो पराठे ही पराठे। तो गाइस, सर्दी कितनी हो रही है आज, तो सूर्य देवता जी दिखेंगे ही नहीं, पता ना दिखेंगे या नहीं। ये देखो गाइस, आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए। हो जाएगा ब्राउन ब्राउन, सुनहरा सुनहरा पराठा। तब तक पराठा सुनहरा ना हो ना, तब तक देखने में अच्छा ही नहीं लगता। गाइस, सर्दी ने तो इतना ज्यादा परेशान कर रखा है ना, बस पूछो मत। पड़ी अभी है वैसे दो चार दिन से ही, पर पड़ ज्यादा रही है। तो गाइस, बच्चों का लंच बन गया, मैं फिर से ऊपर आ गई क्योंकि अभी आग है, तो थोड़ा सा और सोच रही हूँ अपने आप को सेक लूँ। तो गाइस, मुझे कमेंट्स में ये बताना कि आप लोग मेरा व्लॉग कहाँ कहाँ से देखते हो। अभी ज़्यादा तो नहीं देख रहे, थोड़े से ही लोग देख पा रहे, पर कोई ना, छोटी छोटी खुशी से भी बहुत खुशी मिलती है। पता नहीं इस बार क्या हो रहा है, वरना ऐसे भी होता था कि पूस लगने के बाद कोहरा नहीं पड़ता था काफ़ी दिन तक, लेकिन इस बार तो जब से पूस लगा है ना, तब से ही कोहरा कोहरा स्टार्ट है, और धूप भी नहीं है। पर कोई नहीं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, सर्दी तो फिर भी थोड़ी बहुत ही पड़ती है, सब एडजस्ट हो जाएगा। सर्दी में खाना खाने का जो मज़ा है ना, वो गर्मी में तो बिल्कुल नहीं है। गर्मी में तो बिल्कुल मन नहीं करता, मन करता है कि भूखे भी रह जाओ, और सर्दी में तो नई नई डिश खाने का मन करता है। कल देखती हूँ, गांव जाऊंगी अपनी ससुराल, देखते हैं कैसे कैसे जाते हैं। उनकी बच्चों की बुआ जी आ रही हैं, तो
बुआ जी बाहर जॉब करती है, तो बुआ ने बोला है इनकी ने कि मेरा बच्चों के बिना मन नहीं लगता, तो भाभी आप इन्हें छोड़ जाना, तो कल देखते हैं किस टाइम निकलेंगे, जैसे भी होगा कल आपको मैं ब्लॉग के ज़रिए दिखाई दूंगी कि कैसे कैसे गए हैं, क्या क्या हुआ, ऐसे पता नहीं सर्दी में भी फ़ोन से निकलती हैं, वरना गर्मी में ज़्यादा निकलती हैं, लेकिन मेरे तो सर्दी में भी निकल रही हैं। गाइस पता है कल मेरे बेटे का स्कूल खुल गया था और बेटी का भी, लेकिन बेटे की तो फिर से छुट्टी हो गई, अब 15 तारीख को जाएगा डायरेक्ट, और बेटी की अभी छुट्टी नहीं हुई है, उसका स्कूल खुला हुआ है इतनी सर्दी में, वो 9th क्लास में है ना, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, अब बेटा तो यही मौज मस्ती करेगा, हो सकता है कल गाँव भी जाएँ, मैं ही छोड़ के आऊँगी गाँव भी, हो सकता नहीं मम्मा हम जाएंगे, ओके नो टेंशन, दादा दादी के पास भी मस्ती करनी चाहिए। तो गाइज आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट्स में बता भी दिया करो, कुछ ऊपर नीचे हो तो वो भी बता दिया करो कि क्या सही करना है, क्या सही चल रहा है, ये सब आप ही हमारे वो होते हो कि हमें कैसे, आप हमारे गाइड हो, जैसे बताओगे कि ऐसे करो वैसे करो तो हम थोड़ा और सुधारेंगे अपने व्लॉग को, अभी नई नई शुरुआत है तो बस जैसे भी हो रहा है मैं आपको अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। चलो गाइस फिर चलते हैं नीचे, तो गाइस मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, जो पुराने हैं वो लाइक कर दिया करो और जो नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करो, ये तो बोलना ही पड़ता है, और स्वस्थ रहो और मस्त रहो, हर हर महादेव, मेरी शुरुआत भी महादेव से होती है और मेरी रात भी महादेव से होती है। मैं ना गाइस एक सीक्रेट बताऊँ अपना, मेरा डेली का है, डेली का मेरा जो स्टेटस होता है ना, बिना महादेव के शुरू नहीं होता, मैं सब चीज़ भूल सकती हूँ लेकिन अपने महादेव का स्टेटस लगाना नहीं भूल सकती। काफ़ी दिन तो गाइस मैंने अपने महादेव की वीडियो डाली थी, फिर मैंने सोचा चलो अब अपने भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शुरुआत मैंने महादेव से ही की थी, वही है जो भी है मेरा तो सब कुछ। चलो मिलते हैं, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।